ओके जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डक्टल मॉडिफिकेशन है। अभी तक जो हमने पढ़ा है पैरासिम्पेथेटिक को चाहे सिंपेथेटिक, वो हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, तो सीरियस एसिनाइमिया सलाइवा की प्रोडक्शन पढ़ी है पैरासिम्पेथेटिक के जरिए, सिंपेथेटिक के जरिए। वो म्यूकस हो सकती है आपकी सिंपेथेटिक, और पैरासिम्पेथेटिक कौन सी थी? वो थी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक या सीरस सिक्रीशन, जिसको हम वाटरी भी कहते हैं। तो जो आपका प्राइमरी सलाइवा था, बेसिकली इंटरग्रेटेड डक्ट और आपके जो सीरस या सिक्रीटरी एंड पीस होता है, जिसको हम सीरस एसिनाई या म्यूकस एसिनाई कहते हैं, वहां से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, और इंटरग्रेटेड डक्ट से प्रोड्यूस होता है। इसके ऊपर आपके कौन से सेल्स पड़े होते हैं? बेसिकली इन दोनों के ऊपर, इंटरग्रेटेड और इसके ऊपर कौन से सेल होते हैं? मायोपिचरी सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ल्यूमन के अंदर प्राइमरी सलाइवा आ गया। अब जो आपकी स्ट्राइटेड डक्ट है, जिसमें ग्लैमुलर सेल्स होते हैं, और आपके एक्सट्रेटेड डक्ट है, इसमें होती है सलाइवा की मॉडिफिकेशन। यहाँ पे जो सलाइवा होता है वो एसेटोनिक होता है, यानी दोनों सेल और ल्यूमन में इसका एसेटोनिक लेवल होता है ना, फिर जब आगे जाता है तो यहाँ पे हाइपोटोनिक बन जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसने हाइपोटोनिक होना है या हाइपरटोनिक होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगी इसकी मॉडिफिकेशन। तो ये वाला सेल जो है ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, स्ट्राइटेड डक्ट वाला सेल्स, क्योंकि मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे होनी है। अब ये जो प्राइमरी सेल सलाइवा होता है, जब इसकी स्ट्राइटेड डक्ट और एक्सट्रीटेड डक्ट में मॉडिफिकेशन होती है, तो ये क्या बन जाता है? फिर सेकेंडरी सलाइवा बन जाता है, और सेकेंडरी सलाइवा एंड जाके मेन एक्सट्रीटेड डक्ट में जाके एक्सट्रीट हो जाता है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी जो सलाइवा होती है ना, इसकी जो मोटिवेशन दो तरीकों से होती है। एक तो इसमें स्क्रीशन होती है। स्क्रीशन कौन कौन सी चीजों की होगी इसमें? एक तो इसमें स्क्रीशन होगी बाइकार्बोनेट्स की, और इसी में जो स्क्रीशन होगी पोटाशियम की होगी। रीएब्जॉर्प्शन किसकी होगी? ये जो आपके सीरियस एसिनाई में ना एस्क्रीटरी एंड पीस में सोडियम प्लस क्लोराइड आए थे, उसकी दोबारा रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, इन दो की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है और इन दो की सिक्रीशन हो रही है। तो ये जो फिर मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो हो रही है, इसको हम कहते हैं डक्टल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये डक्ट्स में हो रही है। और जो इसके नतीजे में स्लाइवा, जो स्लाइवा बनता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्लाइवा। अब हम देख लेते हैं ये प्रोड्यूस होता किस तरह है। बेसिकली ये आपका एक सेल है, ठीक है ना, ये दो सेल मैंने दिखाया है, ये इंटरस्टिशियम, यहाँ पे एक टाइट जंक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको नजर आ रहा है सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर नजर आ रहा है, ये आपको पोटाशियम का क्या नजर आ रहा है, चैनल नजर आ रहा है, और ये आपको क्लोराइड चैनल नजर आ रहा है, और ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पोटाशियम का सोडियम का चैनल नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड का चैनल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्लोराइड का चैनल नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो होता ये है कि ये जो ये एंड है बेसिकली एपिकल या ल्यूमिनल एंड, जो ल्यूमेन की तरफ है। अब क्योंकि मॉडिफिकेशन तो ल्यूमेन की तरफ, यहाँ से स्लाइवा आ रहा है, यहाँ पे स्लाइवा आ गया, यहाँ पे क्या पड़ा है? सोडियम, इसमें अंदर क्या है? क्लोराइड है, प्लस इसमें क्या होगा आपका? वाटर होगा। अच्छा, होता क्या है? होना ये है कि क्योंकि क्लोराइड और सोडियम और क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट यानी रीअब्सॉर्प्शन होनी है, तो क्या होगा कि सोडियम के चैनल होंगे और ये क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन करा देंगे। अंदर आ गया सोडियम, यानी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कराएंगे, इधर साथ में ही आपके क्लोराइड के चैनल ये करा देते हैं, क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन करा देते हैं, और अंदर आ गया आपका क्लोराइड, ठीक है ना। जो बैलेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बैलेंस है, क्योंकि एक अंदर अगर सोडियम आया तो अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आया तो अंदर नेगेटिव भी आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा ये, क्योंकि जो आपकी अब सिक्रीशन किसकी होनी है? बाइकार्बोनेट्स की। तो बाइकार्बोनेट्स किसके साथ कनेक्टेड है? एक होता है ट्रांसपोर्टर, उसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड। अब हमें क्लोराइड अंदर चाहिए सेल में और ल्यूमन से, और अंदर चाहिए रिएब्जॉर्प्शन करानी है, तो उसके साथ हमें बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन करानी है। तो ये एक्सचेंजर लगा दें हमने, यानी बाइकार्बोनेट सेल के अंदर से निकाल के ल्यूमन में फेंक दिया, और जो है ना, एक इसके नतीजे में क्या काम हुआ है कि ये जो ट्रांसपोर्टर था, इसने ना क्लोराइड को ल्यूमेन से निकाल के सेल में फेंक दिया, और हमें चाहिए भी अंदर था क्लोराइड, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। इसके साथ ही एक और चैनल लगा हुआ है, क्योंकि ये आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे ल्यूमेन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी तो आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वो जो इसके साथ बाद में मिल भी सके ना, तो यानी पूरा बाइकार्बोनेट बनाए। तो इस तरह जाना सोडियम पोटाशियम सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर भी लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं, सेल के अंदर जो प्रोटॉन था उसको बाहर यानी ल्यूमन में एक्सक्रीट कर देता है। इसके नतीजे में हमें सोडियम अंदर चाहिए तो हमें सोडियम भी अंदर मिल जाता है। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड की किन दो चैनल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी? एक तो इनके अपने चैनल्स के जरिए, दूसरे किसके जरिए हुए? एक्सचेंजर के जरिए। कौन कौन से? एक सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर, जिसके नतीजे प्रोटॉन अंदर आया यानी ल्यूमन में आया, और जो आपका सोडियम था वो सेल में आया, और हमें चाहिए भी अंदर था क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। इसी तरह ये जो आपका है ना बाइकार्बोनेट क्लोराइड, हमें क्लोराइड अंदर चाहिए और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन चाहिए, तो ये सिक्रीशन इसकी अंदर आ जाती है। वाटर अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, एक तो सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्राइटेड डक्ट सेल्स के हैं, इस तरह वाटर अंदर नहीं जा सकता। हालांकि हमने पढ़ा था कि अंदर अगर सोडियम जा रहा है तो वाटर भी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिटवीन टू सेल टाइट जंक्शन है, ये वाटर को अलाउ नहीं करता गुजरने के लिए, और इधर इसके कोई चैनल नहीं होते वाटर के, तो इस तरह वाटर अंदर नहीं जा सकता। तो इसी तरह हमें जो है ना यहाँ पे सोडियम और प्लस क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे ना
पोटाशियम के भी चैनल लगे होते हैं, पोटाशियम जो है ना सिक्रीट होती है फिर ल्यूमन में। तो इस तरह हमें दो चीज़ें जो बाइकार्बोनेट प्लस पोटाशियम की सिक्रीशन चाहिए होती है और सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि बेजो लेटरल सर्फेस, ये क्योंकि बेजल सर्फेस है ना, यहाँ पे पोटाशियम और क्लोराइड के ये क्यों लगे हुए हैं आपके चैनल्स, और सोडियम और क्या है आपका क्या नाम है इसका, सोडियम और पोटाशियम एटीपीएस को लगा हुआ है, क्योंकि सेल के अंदर क्लोराइड आ रहा है, क्लोराइड के कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के सेल के अंदर सेल की एक्टिविटीज या फंक्शन इफेक्ट हो सकता है, और दूसरा क्या है कि सोडियम के इंक्रीज होने के सेल के अंदर इसकी फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। तो होता ये है कि अगर हमने अंदर अगर क्लोराइड ज्यादा हो गया, तो क्लोराइड ज्यादा हो गया तो क्लोराइड को निकालने के लिए बेजल सरफेस में जो है ना क्या पड़े होते हैं क्लोराइड चैनल, इस तरह क्लोराइड बाहर निकल जाता है। बाकी बचा था आपका सोडियम, तो सोडियम को निकालने के लिए सोडियम पोटाशियम एटीपीएस होता है, ये क्या करता है सोडियम को बाहर निकाल देता है और अंदर क्या कहते हैं पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट करा देता है। अच्छा पोटाशियम अगर अच्छा अब अंदर सेल के अंदर पोटाशियम बढ़ रहा है, तो इसको अगर हमने नॉर्मल लिमिट से अगर ये बढ़ गया तो इसको कम करना है, तो एक तो ये कि पोटाशियम चैनल के जरिए इधर निकल जाएगा और फिर भी कुछ बचता है, नॉर्मल से ज़्यादा बचता है, तो वो किसके जरिए चले जाएगा, पोटाशियम चैनल के जरिए बाहर चले जाएगा। इसके साथ ही आपका क्या पड़ा है कि अंदर क्योंकि पोटाशियम भी बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन्स क्यों प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बायकार्बोनेट्स है ना ये बाहर सिक्रीट हुए थे ना, तो अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और एसिडिटी बढ़ रही है, और एसिडिटी सेल की फंक्शन को इफेक्ट कर सकती है। तो इसको काउंटर करने के लिए फिर क्या होता है कि सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर बेसल सर्फेस भी होते हैं, ये क्या करते हैं पोटाशियम को बाहर भेज देते हैं, प्रोटोन को बाहर भेज देते हैं और क्या करते हैं सोडियम को अंदर, और ये वाला जो दोबारा सोडियम होता है ये इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, सेल में सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है, ये क्या होती है फिर ये चली जाती है किसके बाद दोबारा से सोडियम और पोटाशियम एटीपीएस के बाद, इस तरह फिर सोडियम बाहर चला जाता है और जो एक्सेस ये वाला पोटाशियम हमारे ये पोटाशियम चैनल के जरिए बाहर चला जाता है। तो ये था आपकी डक्टल मोडिफिकेशन। इसमें एक और चीज़ है कि एट हाई फ्लो रेट्स आपकी जो बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन होती है वो हाई होती है, ज़्यादा होती है, और लो फ्लो रेट पे बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन कम होती है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि डक्टल मोडिफिकेशन कहाँ पे होगी, डक्ट्स में, और कौन सी स्ट्राइटेड प्लस एक्सेट्रियन दो डक्ट्स में होगी। अच्छा होगी किस तरह के, एक तो सिक्रीशन होगी, किस चीज़ की सिक्रीशन होगी, बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन होगी और पोटाशियम की सिक्रीशन होगी, ठीक है ना। रीअब्सॉर्प्शन किसकी होगी, सोडियम की होगी और क्लोराइड की होगी। प्राइमरी सलाइवा कहाँ पे होता है, इंटरग्रेटेड डक्ट में और सिक्रीटरी एसिनाई में, यहाँ पे बनता है। जब ये आता है स्ट्राइटेड और एक्सिटरी में, इसमें क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन होती है इन दोनों की, सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होती है, इसमें सिक्रीशन होती है बाइकार्बोनेट्स और पोटाशियम की, तो इस तरह ये मॉडिफाई होता है, और इस मॉडिफाई सलाइवा को हम कहते हैं सेकेंडरी सलाइवा। ये बनता किस तरह, बेसिकली स्ट्राइटेड, चाहे स्ट्राइटेड डक्ट सेल हो या एक्सिटरी, इसका मैंने एक सेल यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे क्या होता है कि अब एपिकल एंड में यहाँ पे क्योंकि सिक्रीशन हमने रीअब्सॉर्प्शन करनी है सोडियम की और क्लोराइड की, तो सोडियम और क्लोराइड के चैनल लगे होते हैं और इसके जरिए सेल ल्यूमेन से सोडियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और अगर मजीद हमने सोडियम और क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट करनी हो तो दो एक्सचेंजर लगे हुए हैं, एक एक्सचेंजर है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स का, ये क्लोराइड को अंदर भेज देता है यानी ल्यूमेन में, बाइकार्बोनेट्स को हमें चाहिए भी होता है सिक्रीशन इसकी करनी है ना, तो इस तरह इसकी सिक्रीशन हो जाती है, और ये इसके बदले में इधर जो क्लोराइड पड़ा होता है इसको अंदर सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसी तरह आपका सोडियम और प्रोटॉन एक्सचेंजर होता है, ये सोडियम को अंदर, हमें सोडियम अंदर चाहिए होता है और प्रोटॉन को बाहर भेज देता है, ताकि ये बैलेंस, ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ये हो सके, क्योंकि बाइकार्बोनेट आया है। अब ये तो ट्रांसपोर्ट हो गई सेल के अंदर, सोडियम और क्लोराइड आ गया, अब इसने क्योंकि ये सेल की फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है, तो इसी तरह जो है ना सेल की बेजल सरफेस पे प्रोटॉन्स लगे होते हैं, पंप्स लगे होते हैं, एक तो है सोडियम पोटाशियम पंप, अगर सोडियम ज्यादा ज्यादा हो गया तो सोडियम को बाहर भेज देता है और पोटाशियम को अंदर आ देता है, और अगर पोटाशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो पोटाशियम चैनल लगा और पोटाशियम बाहर चला जाता है, इस तरह ये बैलेंस हो जाता है। अब रह जाता है क्लोराइड, क्लोराइड के लिए भी चैनल लगे हुए, ये क्लोराइड के जरिए ये क्लोराइड भी बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि प्रोटोन बाइकार्बोनेट्स बाहर गया था ना, तो इस बाइकार्बोनेट्स बाहर गया तो अंदर आ गया था प्रोटोन, प्रोटोन को बैलेंस करने के लिए कौन सा है, सोडियम प्रोटोन एक्सचेंजर है, प्रोटोन को बाहर भेजा सोडियम अंदर आ जाता है, और ये जो सोडियम एक्सेस आ रहा है ये फिर दोबारा से सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के बाद, तो इस तरह ये बाहर चला जाता है। तो ये थी आपकी डक्टल मॉडिफिकेशन। तो लास्ट वन कहता है एट हाई फ्लो रेट्स आपका बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन ज्यादा होती है और लो पे लो होती है।